तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे, तुमने ढूंढते जिसे वो कमी बन गए, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आ चुका हूँ एक और एक नया ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को हर रोज मिलता रहेगा। और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपका ही फ़ायदा है। आपको HD स्टेटस मिल जाएगा, HD इमेजेस मिल जाएगा, और फॉन्ट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ भी अपडेट होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर देता हूँ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन से है, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा, सभी मटेरियल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, XML को एलाइट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। आपको बीट मार्क और शेक इफेक्ट का 2 XML मिलेगा। सिंपल से आपको एलाइट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपका एलाइट मशीन प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है तो जो XML है वो इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको ये वाला एलाइट मशीन ऐप चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, पिन किया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एलाइट मशीन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पर जाना है, जो बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ये फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिसिंग दिखेगा जब आप XML इंपोर्ट करोगे, अगर आपके पास ये फॉन्ट्स नहीं है तो टेंशन मत लो, फॉन्ट्स मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक करना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंगल बिट मार्क और डबल बिट मार्क है। तो लिरिक्स जिस पॉइंट पे एंड होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे जितना भी डबल बिट मार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है सेकंड इफेक्ट, और सिंगल बिट मार्क का मतलब है फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, आपको यहाँ पे जो सॉन्ग है वो ऐड करना है, क्योंकि XML पे सॉन्ग नहीं रहता है। आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, या तो ऑडियो होगा या तो वीडियो होगा। अगर ऑडियो हुआ तो डायरेक्ट ऐड कर देना है, अगर वीडियो हुआ तो वीडियो को यहाँ पे ऐड करना है, साउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, तो लिरिक्स दिखाई दे रहे हैं, आपको सिंपल से ऊपर वाले लिरिक्स पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में आना है, और आपको ये जो फॉन्ट्स है आपको ये वाला फॉन्ट्स ऐड कर लेना है, ठीक है, जिसका नाम है रोसेलिंडा इटैलिक, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे, या आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ऊपर वाला जो फॉन्ट्स है इसका रहेगा नाम है रोसेलिंडा इटैलिक, ठीक है। और नीचे वाला जो इसका नाम है, नीचे वाला जो लिरिक्स, इसका नाम है केजी कैस स्क्रेबल, ठीक है। केजी क्रेस स्क्रेबल आप इजीली इसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, दोनों जो लिरिक्स है, लिरिक्स बोल रहा हूँ, फॉन्ट्स है, आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस पॉइंट पे लिरिक्स एंड रहे इस पॉइंट पे आप जाना है, मतलब फर्स्ट बिट मार्क पे आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको दो लेयर दिखाई देगा, इमेज का लेयर, आपको सिंपल से क्या करना है, दोनों लेयर पे आपको सेम इमेज ही ऐड करना है। तो कैसे करना है, ऊपर वाले इमेज पे लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना, प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। नीचे वाले जो लेयर है इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी आप ऐड करना चाहते हो सिंपल इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और सेम ऐड होना चाहिए, सेम इमेज ऐड होना चाहिए, इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट बिट मार्क छोड़ के सेकंड बिट मार्क पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। अभी आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है बिट मार्क के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से अभी आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है पूरा बिट मार्क के हिसाब से, एंडिंग पॉइंट तक आपको ऐड कर लेना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टेटस कैसा लगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, इजीली आपको यहाँ पे क्या करना है, बिट मार्क के हिसाब से सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है। अगर आपको ये सब इमेज चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, ठीक है। इजीली आप ज्वाइन कर लेना, आप ये सब इमेज इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और एक कॉमेंट ज़रूर करना यार, आप लोग कॉमेंट नहीं करते, स्किप करके चले जाते हो, कॉमेंट ही तो करना है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, बता देना मेरे को, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, बिट मार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड कर लेना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि रोज आपको इस तरीके से ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को मिलता रहेगा। और ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। इस तरीके से आपको क्या करना है, बिट मार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी कर लेना है।
ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है, आपको सिंपल से शेक इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑन और इफेक्ट टू देखने को मिलेगा, और इफेक्ट मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पे दिया है, तो आप ये मत बोलना कि इफेक्ट वर्क नहीं कर रहे। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको बस जो रेक्टेंगल वन है, इफेक्ट वन है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट बिटमार्क पे चले जाना है, जहाँ पे आपने इमेज ऐड किया था ना, उस पॉइंट पे आपको यहाँ पे चले जाना है, यानी सेकंड बिटमार्क, ठीक है। फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे ना थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। सेकंड बिटमार्क जैसे डबल बिटमार्क इसको छोड़ देना है, फिर से सिंगल बिटमार्क वाले इमेजेस पे आपको इफेक्ट पेस्ट करना है, जो कि फर्स्ट इफेक्ट है। डबल बिटमार्क को छोड़ देना है, सिंगल बिटमार्क वाला जितना भी इमेजेस है, सभी इमेजेस पे आप क्या करना है, जो फर्स्ट इफेक्ट है उसको सिंपल से पेस्ट कर देना है, ठीक है। इफेक्ट पेस्ट करना बहुत ही सिंपल है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा एंडिंग पॉइंट तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, फिर से आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट पे जाना है। अभी आपको यहाँ पे जो इफेक्ट टू है, रेक्टेंगल टू, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। साथ में दोनों सीसी को सिलेक्ट करना है, ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक करना है, कॉपी टू लेयर कर लेना है, यहाँ से आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, ठीक है। अभी आपको सेकंड बिटमार्क पे जाना है, जहाँ से आपने इमेज ऐड किया था, सबसे पहले ऊपर जो प्लस है इस पर क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है, ठीक है, और सीसी को पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एचडीआर इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना भी डबल बिटमार्क वाला इमेजेस है, सब इमेजेस पे आपको सेकंड इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। जितना भी डबल बिटमार्क वाला इमेजेस है, सभी इमेजेस पे आपको जो सेकंड इफेक्ट है इसको सिंपल से पेस्ट कर देना है। बहुत सारा इफेक्ट यूज है, थोड़ा सा इसलिए लैग हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, जितना भी डबल बिटमार्क वाला इमेजेस है, सभी इमेजेस पे आपको जो सेकंड इफेक्ट है सिंपल से पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा स्टेटस जो वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये फॉन्ट आप इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, और आपको यहाँ पे बस ऐड करना है। इफेक्ट भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा है, आपको बस यहाँ पे फॉन्ट्स को ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब देख सकते हो हमारा स्टेटस जो वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।